सुल्तानपुर जिले के 29 गांव जो लोकसभा व विधानसभा अमेठी व विधानसभा जगदीशपुर में शामिल हुए हैं, उन गांव के प्रमुख प्रमुख बाजारों का दौरा भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व राज्य सरकार के मंत्री सुरेश पासी ने महात्मा गांधी संकल्प यात्रा के साथ साथ लगभग 10 किलोमीटर यात्रा में शामिल होकर यात्रा को सफल बनाया, जिसमें मंत्री ने हलियापुर क्षेत्र के आमघाट पुल से यात्रा का शुभारंभ किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने मंत्री स्मृति ईरानी का फूल मालाओं से स्वागत किया और यहां से यात्रा निकालकर हलियापुर तिरहुत डेरियाबा होते हुए भवानीगढ़ बाजार पहुंची, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार सिंह समर्थकों के साथ मंत्री का भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने आज के यात्रा का समापन करते हुए कहा कि अमेठी की जनता ने मत के रूप में जो प्यार दुलार दिया है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। अमेठी की जनता को उन्होंने दिल से बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि हम बापू के नाम को लेकर समाज में समृद्धि विकास उन्नति के लिए गांव को शहर से जोड़ने का काम कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता महात्मा गांधी के पदयात्रा में शामिल हुए, इसके लिए उन्होंने सबको बधाई दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा 9 नवंबर से 12 नवंबर तक जिन गांवों में मैं आज गई हूं, उनमें जिलाधिकारी वे अपने प्रतिनिधि सीओ सीएमओ व अन्य जिम्मेदार अधिकारी उन गांवों में पहुंचकर उस गांव में चौपाल लगाकर आवास पेंशन में जिनके नाम छूट गए हैं उन्हें जनता का आदेश मानकर शामिल करें व क्षेत्रवासियों की समस्या को प्रमुखता से निस्तारित करें। जाते जाते स्मृति ईरानी ने दीपावली की शुभकामना व मुबारकबाद दी। हम लोग मिलकर जगदीशपुर विधानसभा के प्रगति में योगदान दे पाए, आज यही आशीर्वाद प्रभु से मांगती हूँ। कुछ दिन बाद दिवाली है, आप सबके घर में लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवती की कृपा हो, प्रभु से यही प्रार्थना करते हुए एक बार फिर जगदीशपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, विधायक जी को, मंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ सफल पदयात्रा के आयोजन के। अगर आपने अभी तक हमारा समर इंडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला प्रत्येक समाचार सबसे पहले आप तक।